एक्सेस भी एक डेटाबेस ही सॉफ्टवेयर है, और जब भी आपको एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट कराना हो तो यहां पर देखिए, ये आपके पास दो टेबल होनी चाहिए, कम से कम दो टेबल तो होगी रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो इन दो टेबल्स में क्या करना है आपको, पहले तो इन दो टेबल्स को ऑफ कर लीजिएगा, क्लोज कर लीजिएगा। यहां देखिए ये क्लोज का आ रहा है, यहाँ पे कट का बना हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अब दो टेबल आपको देख ही रही है, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई में देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है और यहाँ पर जॉब आईडी भी दी गई है। ठीक है, जॉब वाले में आते हैं तो आपको जॉब आईडी दिखाई पड़ती है जो कि एम्प्लॉई आईडी से मैच करती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो क्यों ना एम्प्लॉई वाले टेबल को जॉब आईडी से लिंक करा दिया जाए, यही तो कहलाता है रिलेशनशिप। अब ये दो या दो से अधिक टेबल में भी हो सकता है, मैं फिलहाल आपको दो ही में दिखा रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, सीधा चले जाएगा डेटाबेस टूल्स पर और यहां से रिलेशनशिप पर। जैसे ही जाएंगे तो यहां पर ये दोनों टेबल्स नजर आएंगी, ड्रैग करके यहां लाइएगा एक को फिर दूसरे को, कितना आसान है रिलेशनशिप क्रिएट कराना। देखिए अब ये जो जॉब वाली टेबल है इसमें जॉब आईडी का रिलेशनशिप किससे कराना है, जॉब आईडी से, यानी इस जॉब आईडी से कराना है। इसको उठाइएगा, ड्रैग करके लाइएगा और ठीक इसी के सामने रख दीजिएगा, और रखने के बाद यहां से इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करिएगा, टिक कर दीजिएगा। दूसरा कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक करिएगा, और तीसरा कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे टिक करके और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है ना, रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स विथ सेम डेटा टाइप्स। तो ऐसी दिक्कत तब आती है जबकि आप डेटा टाइप सेम नहीं रखते हैं। तो एक बार चेक करते हैं डेटा टाइप क्या है, तो इंप्लॉई वाले में चलते हैं, यहाँ जॉब आईडी क्या है, नंबर है। बाकी जॉब में चलते हैं, जॉब वाली टेबल में, तो यहां पर जॉब आईडी क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है, तो शॉर्ट टेक्स्ट के साथ तो ये हो नहीं पाएगा ना, तो इसे नंबर कर लीजिएगा और नंबर करके ओके करिएगा, यस करिएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आपकी इंप्लॉई वाली टेबल है और ये आपकी जॉब वाली टेबल है। अब फिर वहीं आ जाना है हमें, यानी रिलेशनशिप पर, और ये जॉब आईडी को उठा करके जॉब आईडी के सामने रख देना और तीनों पे टिक कर देना है। वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड होने जा रही है और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये रिलेशनशिप इस वजह से भी नहीं क्रिएट होती है क्योंकि ये ओपन है, तो इसे भी क्लोज आपको रखना है, फिर ये आपकी रिलेशनशिप 100% क्रिएट हो जाएगी और इसका फायदा भी आप देख पाएंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद। तो देखिए ये वन टू मेनी है, ये मेनी का साइन है। ठीक है, और इसका फायदा ये है कि जैसे ही आप जॉब वाली टेबल पे जाते हैं तो यहाँ प्लस का साइन नजर आता है, और जॉब वाली टेबल पे ही रहते हुए आप एम्प्लॉय वाली टेबल ओपन नहीं करते और एम्प्लॉय वाले की भी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने लगती है, यानी जॉब आईडी से आप एम्प्लॉय आईडी को भी देख पाएंगे। ठीक है, ये तरीका है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको तीन टेबल्स में रिलेशनशिप, चार पांच जितने में कराना हो करा सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां से क्रिएट पे जाएंगे और यहां से टेबल पे जाकर के एक नई टेबल बनाते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम पूछेगा, तो लेट्स से कि इसका नाम हम रख लेते हैं डिडक्शन, डिडक्शन यानी कटौती। अब इसमें कटौती से रिलेटेड, यानी जो सैलरी पे कटौती होती है उससे रिलेटेड कुछ करने वाले हैं, तो डिडक्शन टी दे दिया। अब यहाँ पे आईडी को आईडी ही रहने देते हैं और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पीएफ लिख देते हैं, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की बात होगी, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे आपको रखना है नंबर, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लॉन्ग इंटीजर है इसे बना लीजिएगा आप डबल। ठीक है, डी प्रेस करते हैं, यहाँ डबल ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से क्लिक करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, चूज कर लेंगे। अब यहाँ डबल बनाने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट बनाना है आपको परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज रख लीजिएगा, और परसेंटेज रखने के बाद यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर अब हमें क्या देना है, एम्प्लॉई आईडी। तो एम्प्लॉई जैसे लिखा हुआ था वहां, यानी एम्प्लॉई वाले टेबल में, वैसे ही यहां भी देना है। तो ये हो गया एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी है स्मॉल में, तो वैसे ही हमें यहां पर भी दे देना है। तो यहां पर आकर के स्कोर आईडी कर देते हैं, एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टेक्स्ट ही था, तो हमने भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा है डिडक्शन वाले टेबल में। ठीक है, ये करके आपको यहां से व्यू पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, तो ये यहां आ गया। अब यहां पे देखिए आप परसेंटेज 10% किसी का डिडक्ट हुआ, एम्प्लॉई आईडी तो सेम रखनी है आपको जो वहां पे है एम्प्लॉई वाले टेबल में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर एम्प्लॉई आईडी देख लेते हैं क्या है, तो E1 है, तो हमको भी वही रखना है डिडक्शन वाले टेबल में E1, तो यहां पे कर देते हैं E1, क्लिक करेंगे और यहां पे एम्प्लॉई आईडी कर देंगे E1। ठीक है, फिर यहां पर एम्प्लॉई आईडी E2 हो जाएगा, ऐसे करके चलना है। ठीक है, ये 15% हो गया और यहां हो जाएगा E2। ठीक है, फिर यहां हो जाएगा 10%, फिर यहां E3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E3, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही। अब यहां पे इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं रिलेशनशिप पे वापिस, तो यानी हमें कहां जाना है, डेटाबेस टूल्स पे, रिलेशनशिप पे। और देखिए एक टेबल तो यहां दिख ही रही है, जॉब वाली टेबल,
यहाँ पे हम एम्प्लॉय वाली टेबल और ये डिडक्शन वाली टेबल ये भी लेके आ जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको उठाइए और ये जो डिडक्शन वाली टेबल है इसके ठीक सामने ले जाकर रख दीजिए और इन तीनों पे कर देना है आपको टिक और वन टू मेनी रिलेशनशिप आपको बिल्ड होती हुई नजर आएगी और क्रिएट पे क्लिक करिएगा। तो देखिए तीनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया और वन टू मेनी ही है, आप वन टू वन भी करा सकते हैं, वन टू मेनी भी करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में वन टू मेनी ही मैंने बताया है, ठीक है ना एकदम। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा यह है कि ये एम्प्लॉय वाले टेबल है, इसमें प्लस का साइन बना हुआ है, आप एम्प्लॉय वाले टेबल में ही रहते हुए सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, पीएफ वाला टेबल आपको दिखने लगेगा, दिख रहे हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं जॉब वाली टेबल हमारी पहली टेबल थी तो इसपे अगर जाते हैं तो इसमें भी आपको प्लस का साइन नजर आएगा। तो अगर इंप्लॉय की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो जॉब वाले पे जाइए, जॉब आईडी के सामने ये देखिए जो प्लस नजर आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए तो यहां पर देखिए इंप्लॉय की पूरी डिटेल और इंप्लॉय वाले पे क्लिक करने पे पीएफ की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो बस ये वो तरीका है जिससे आप ये सारी चीजें कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, चाहे एक में कराना हो 100 में कराना हो आराम से करा के बड़ा डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है।